हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैंने जो विंटर शॉपिंग की थी तो उसी का वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने जो क्या क्या शॉपिंग किया था उसका वीडियो आ चुका है, तो आप ज़रूर देख लेना। ये वीडियो थोड़ा सा लेट से पहुँचेगा क्योंकि संडे गार्डन वीडियो अपडेट जो है वो भी बनाना था, और संडे को ढेर सारे वर्क भी रहते हैं गार्डन में करने का, और अभी विंटर का टाइम है तो टाइम नहीं मिल पाता है कि वीडियो बनाऊँ। अगर वीडियो बनाने लगती हूँ तो फिर उधर लेट हो जाता है और सब भी वर्क करने में, तो क्योंकि हमें काम करते रहना होता है तो उसमें वीडियो अगर बना के काम करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्क करती हूँ और फिर वीडियो बना के फिर उसको एडिटिंग वगैरह भी करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि हमें घर का भी काम करना रहता है और अकेले ही करना है, बच्चों को भी देखना है, खाना बनाना है, घर का गार्डन का सब काम है, तो थोड़ा सा ये वीडियो मेरा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड कर दी है ताकि आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखना ना पड़े। तो इसमें मैं बता दूँगी कि मैंने कैसे रिपोर्ट किया है। तो विंटर फ्लावरिंग जो भी होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी होती है सॉइल बनाना होता है। तो विंटर का जो सॉइल हम बनाते हैं विंटर गार्डनिंग के लिए, तो वो थोड़ा रिच होता है, वो हमें रिच सॉइल बनाना होता है। गर्मियों वाली जो हम बनाते हैं वो गर्मियों में हम उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में प्लांट वगैरह हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और विंटर के जो फ्लावर होते हैं वो 3 से 4 महीने तक के ही रहते हैं। तो इसमें करीब जितने भी फ्लावर होते हैं सबके एक टाइप के ही हमारे सॉइल बनते हैं, बस पानियों का थोड़ा सा पानी का देख मतलब रख रखाव थोड़ा सा अलग होता है, रख रखाव उनका अलग थोड़ा सा चेंज होता है और पानी का थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी बात सॉइल जो होती है वो मतलब एक टाइप की होती है सारे विंटर फ्लावर्स की। तो मैं क्या करती हूँ, आप मेरी गार्डनिंग देखते हो कि बहुत चीप एंड बेस्ट गार्डनिंग करती हूँ, तो आपको एक पार्ट जो है वो गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक पार्ट जो है आप वो सेंड ले लीजिए जो रेतीली मिट्टी होती है जिनसे हम घर बनाते हैं, और एक पार्ट जो है वो आप कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए या किचन वेस्ट जो होता है उनसे जो खाद बनता है वो ले लीजिए, और तीनों को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है, और उसमें जो है एक मुट्ठी आप नीम खली मिला लीजिए। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, जैसे एक गमला, एक जिसमें हम प्लांटर जो हमारे होते हैं कोई भी प्लांटर आप उठाइए, 5 5 7 8 इंच वाले, उसमें पूरा भर के एक गमला जो है वो आप मिट्टी ले लीजिए, एक गमला आप सैंड ले लीजिए और एक गमला आप कंपोस्ट गोबर की खाद जो लेना है, आपको ये नाप में बता देती हूँ, जिससे भी आप नापिए तीनों को एक बराबर से नाप लीजिए, और उसके बाद उसमें एक मुट्ठी आपको नीम खली देनी है क्योंकि हमारे विंटर फ्लावर में थोड़ा सा फंगस लगने का ज़्यादा चांस रहता है, तो आप एक मुट्ठी उसमें नीम खली बना लीजिए। आपको 10 गमलों के लिए तैयार करना है तो आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिए, और फंगीसाइड पाउडर आप ज़रूर डालिए। आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप हल्दी डालिए। मैं कभी भी फंगीसाइड पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हल्दी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हल्दी हमारे किचन में ईजिली मिल जाते हैं, तो हम आराम से लेते हैं और उसको आप यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैं जो भी विंटर फ्लावर्स लेकर आई थी सारे को लगा रही हूँ, तो बस थोड़ी सी मिट्टी भरना है, जैसे ये जीनिया का प्लांट है इसमें से चिकनी मिट्टी हम निकाल देंगे, अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल चिकनी मिट्टी आप नहीं निकालिएगा, उसको पूरे के पूरे प्लांट आप डाल दीजिएगा, क्योंकि हम गार्डनिंग बहुत सालों से कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो हम आराम से उसको कर लेते हैं। और उसके बाद उसको थोड़ी सी मिट्टी में डाल के आप थोड़ी सी उसको दबा दीजिएगा, और उसमें हमें पानी डाल देना है, और बस ऐसे ही हमारे सारे विंटर प्लांट लग जाएंगे। तो मैंने सारे विंटर प्लांट को ऐसे ही रिपोर्टिंग कर ली थी, और अगर आप इसका सेपरेट वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। इम्पेशंस के लिए मैंने बनाया था, एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कहा था,
तो मैंने उसके लिए बनाया था, वो भी लिंक डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।